क्रॉप टूल क्या होता है, बेसिकली जे इमेज को काटने के लिए यूज किया जाता है। क्रॉपिंग बेसिकली क्या होता है, जब हमको इमेज को किस रेशियो में काटना है उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे क्रॉप टूल में क्लिक किया और यहां पर मैं इस तरह से सिलेक्शन बनाया और इंटर जैसे मैं डालूंगा उसके हिसाब से इमेज मेरा छोटा हो जाएगा। ये तो क्रॉप टूल का बेसिक यूज है। क्रॉप टूल में भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्रॉप किस तरह से लेना है, रेशियो में लेना है, रेशियो में बेसिकली क्या रेशियो लेना। अगर मैं 1:1 में यहाँ कर दूं, अब मैं सिलेक्शन बनाऊंगा तो स्क्वायर में बनेगा कभी भी। ये देखो, अगर मुझे यहाँ रेशियो में नहीं लेना है, यहाँ पर बेसिकली रेशियो बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर मुझे न्यू क्रॉप प्रीसेट लेना है तो यहाँ से मैं ले सकता हूँ। यहाँ से रेशियो में अगर हटा दूँ तो मैं अपना चाहूंगा तो नॉर्मल जिधर चाहूँ उधर विड्थ ज्यादा कर सकता हूँ, जिधर चाहूँ हाइट ज्यादा कर सकता हूँ। ये बेसिकली मेरा अपना रेशियो मुझे बनाने का। और ये यहाँ पर रेशियो में अलग अलग तरीके का ओरिजिनल रेशियो दिया हुआ है, आपको 1:1 का दिया है, 4:5 के रेशियो में दिया हुआ है, तो इस तरह से हो जाएगा 5:7 के रेशियो में। बेसिकली ये अलग अलग इमेज फॉर्मेट के रेशियो में दिया हुआ है आपका। यहाँ पर बेसिकली पिक्सल्स के रेशियो में भी दिया हुआ है, कुछ जैसे 1280:800 1:1 के रेशियो भी हो सकता है या नॉर्मल रेशियो। यहाँ से आप वैल्यू हटा दीजिए, यहाँ पर क्लियर पर क्लिक कीजिएगा तो ये रेशियो बेसिकली क्लियर हो जाएगा। आप जिधर से चाहो जितना चाहो उतना आप इसको बढ़ा के इंटर प्रेस करोगे कीबोर्ड से तो आपका उतना इमेज बेसिकली आपका कट के चला आएगा छोटा होकर। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन क्या है, कि अगर कोई इमेज तिरछा है तो उसको सीधा करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन के लिए जैसे कि किसी भी इमेज को हम ले लेते हैं, जैसे इस इमेज को मैं ले लेता हूं। अब इस इमेज में मैं चाह रहा हूं जे यहां से मैं आता हूं स्ट्रेंथन पर, इसके हिसाब से मेरा ये इमेज सीधा हो जाए तो यहां से यहां तक मैं जैसे ही ड्रॉ करूंगा और इंटर दाबूंगा तो इसके रेशियो में ये क्या करेगा, इमेज को हमको सीधा करके देगा इसके रेशियो में। ये देखो, या यहां से यहां तक ड्रॉ कर लिए, इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक किए, स्ट्रेंथन पर क्लिक किए और इमेज को जो यहां से मुझे इस रेशियो में क्या करना है, सीधा कर देगा। इंटर दाबूंगा तो उसके रेशियो में क्या हुआ, ये इमेज मेरा सीधा हो जाएगा, सीधा हो गया। बेसिकली उसके हिसाब से ये इसके डायरेक्शन को ऑटोमेटिक क्या किया, एडजस्ट कर लिया, तो ये स्ट्रेंथन का यूज हो गया। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर बेसिकली ये क्या होता है, जो फोटोग्राफिक के रूल्स होते हैं, जैसे रूल ऑफ थर्ड, ग्रिड, डायगोनल, ट्रायंगल, गोल्डन रेशियो, गोल्डन स्पाइरल, ये सारे फोटोग्राफी के रूल्स होते हैं। अगर फोटोग्राफी आपने पढ़ा होगा फोटोग्राफी के बारे में तो ये रूल्स होते हैं। तो ये क्या होता है, जी इस रूल्स के हिसाब से, जैसे गोल्डन थर्ड रूल क्या होता है, जैसे मैं इस पर सिलेक्शन बनाया तो गोल्डन थर्ड रूल के हिसाब से जहां भी ये प्लस बन रहा है वहां पर आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन परफेक्ट होगा तो आपका इमेज जो है आई कैचिंग में हमेशा अच्छा दिखेगा। अभी इस रूल के हिसाब से ये इमेज परफेक्ट है तो बेसिकली ये इमेज हमेशा आई कैचिंग पर के पार्ट पर ही रहता है बेसिकली। अगर बात करें दूसरे रूल की, स्पाइरल ग्रिड के रूल के हिसाब से, तो ग्रिड के रूल के हिसाब से भी ये परफेक्ट है। अगर बात करें फोटोग्राफी के डायगोनल, तो डायगोनल के हिसाब से ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए सेंटर में, अगर डायगोनल की बात करें तो। उसी तरह से हमारा यहाँ पर और भी आता है, जैसे ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल के हिसाब से या तो ऑब्जेक्ट का इस पोजीशन पर रखो नहीं तो आप इस पोजीशन पर रखो, आपके अंदर आपके इमेज के अंदर जहाँ भी है। अगर बात करें इसमें गोल्डन रेशियो के रूप में, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ जहाँ भी बेसिकली क्रॉस बन रहा है उस पोजीशन पर आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए इमेज का। या स्पाइरल की बात करें तो इमेज का पोजीशन यहाँ होना चाहिए था स्पाइरल के हिसाब से, स्पाइरल के हिसाब से यहाँ से भी रेशियो को छोटा करना होगा, देन उसको काट लो, ये देखो एकदम परफेक्टली बैठ गया था। तो ये क्या होता है, फोटोग्राफिक्स के कुछ रूल्स होते हैं जिनके हिसाब से भी हम इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ ये बेसिकली क्या होता है, यूज क्लासिक मोड यूज करना है या कौन सा मोड यूज कर, जैसे पुराना मोड हो गया ये क्लासिक मोड बेसिकली। अगर आपको क्लासिक मोड नहीं तो अपडेटेड मोड यूज करना है तो उसके हिसाब से ऑप्सिटी कितना रखना है, ऑप्सिटी घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ से जो क्रॉपेड एरिया का है। इसके बाद ये है कि यहाँ पर डिलीट क्रॉप पिक्सल, डिलीट क्रॉप पिक्सल क्या होता है, जैसे मैं सिलेक्शन बनाया अगर मैं इंटर दाब दिया तो ये इसके बाहर वाले जो पार्ट है वो डिलीट हो जाएंगे जैसे मैं इंटर दाबूंगा। अगर फिर से मुझे क्रॉप पिन करना होगा अगर मैं बनाता हूँ तो वो वाला पार्ट मेरा दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर बात करें डिलीट क्रॉप एरिया के छोड़ दे, अगर बात करें ओरिजिनल इमेज की, अगर मैं यहाँ से डिलीट क्रॉप पिक्सल्स को हटा के अब मैं सिलेक्शन लेता हूँ और इतने पार्ट को मैं क्या करता हूँ इंटर दाब
के काट लेता हूँ, लेकिन फिर से जब मैं सिलेक्शन बनाऊंगा तो जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो डिलीट मेरा नहीं हुआ, वहीं पर हाइड हो जाता है। फिर से हम उस चीज को यूज करके ऊपर नीचे करके हम ले सकते हैं। यही अब बेसिकली फायदा होता है डिलीट क्रॉप पिक्सल्स यूज करने से। इसके बाद मेरा इसमें नेक्स्ट ये है जो कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर क्या होता है, जैसे कि इस पिक्चर का साइज मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है तो कंटेंट अवेयर ऑन रहेगा और मैं क्या करूँगा, क्रॉप टूल उठाऊंगा और इसको मैं थोड़ा सा इधर से बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा इधर से बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं इधर से बड़ा करके इंटर जैसे प्रेस करूँगा, ये क्या करेगा जी, इस ब्लैंक वाले एरिया में ऑटोमेटिक क्या करेगा, कुछ कलर्स ले आकर फिल कर देगा। इस फोटो से मिलता जुलता देखो यहाँ पर फिल कर दिया। अगर इस चीज़ को मुझे इस फोटो के ऊपर लगा के देखना है तो इस पर भी हम लगा के चेक कर सकते हैं। देखो बेसिकली थोड़ा सा एस्पेक्ट रेशियो जब आपको बड़ा करने की ज़रूरत पड़े तो आप कंटेंट अवेयर का यूज कर सकते हैं, और नहीं यूज करना है तो कंटेंट अवेयर का चेक हटा के जब बड़ा कीजिएगा तो देखिए ये बड़ा हो गया, पता भी नहीं चला इमेज थोड़ा सा बड़ा हो गया। अगर कंटेंट अवेयर का चेक हटा देता हूँ मैं यहाँ से, अब इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, अगर बड़ा करने की कोशिश करूँगा तो ये बड़ा नहीं होगा। जैसे इतना बढ़ा दिया, मैं इंटर दबा रहा हूँ तो इतना पट गया होगा जो मेरा कुछ फिल नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं कंटेंट अवेयर पर क्लिक करूँगा, अब मैं इसको कितना भी इधर इधर से बड़ा करूँ, कितना भी नहीं, बेसिकली एक रेशियो में बड़ा करना, ये आपका प्रॉपर फिल है। इंटर दबाऊंगा तो क्या करेगा, इसी इमेज में से कोई कोई पार्ट उठा के ऑटोमेटिक क्या करेगा, फोटोशॉप ला के फिल कर देगा इसको, ये बड़ा कर दिया बेसिकली। तो ये मेरा होता है कंटेंट अवेयर। इसके बाद हमारा इसमें नेक्स्ट टूल है प्रोस्पेक्टिव क्रॉप। प्रोस्पेक्टिव क्रॉप क्या होता है, जो कोई भी पेज को या कोई पेज है या कोई भी इमेज है उसको सीधा करना है उसके लिए यूज करते हैं। जैसे जी बात करते हैं हम इसी घर के ऊपर, बेसिकली इस वाले पार्ट को मुझे सीधा करके देखना, तो प्रोस्पेक्टिव क्रॉप पर यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर क्लिक करके जैसे मैं इंटर करूंगा तो इतना पार्ट को हमको सीधा करके ये दे दिया। देखो ये क्या होता है, ये बेसिकली कोई भी चीज़ है अगर तिरछा है उस चीज़ को सीधा करके देखना है तो हम प्रोस्पेक्टिव क्रॉप का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक किया, यहाँ से फिर यहाँ पर क्लिक किया, फिर जिस पार्ट को जितना लेना है हम इस तरह से सिलेक्शन बनाएंगे, इंटर दाबेंगे उतना पार्ट हमको सीधा करके दे देगा प्रोस्पेक्टिव क्रॉप। तो ये बेसिकली यूज होता है प्रोस्पेक्टिव क्रॉप का। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टूल आता है, इसमें फ्रेम टूल। फ्रेम टूल क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रेम के अंदर डालने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यही इमेज है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ लेयर पर, इसको मैं बीच में करता हूँ, मैं जैसे लेयर में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ से फ्रेम टूल पर क्लिक किया और इसको मैं फ्रेम के अंदर डाल दिया। फ्रेम में भी बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है जो आपको राउंडेड लेना है या सर्कल में लेना है, तो उस हिसाब से ये क्या करेगा हमको फ्रेम में वो फिल करके दे देगा। यहाँ से मैं ले लिया स्क्वायर में, अब मैं यहाँ फ्रेम बना रहा हूँ तो स्क्वायर में हमको फिल करके दे दिया। अगर मैं यहाँ से राउंडेड लेता हूँ, अगर इसको मैं राउंडेड में फिल कर रहा हूँ तो राउंडेड में फिल करके दे दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देख बैकग्राउंड में कोई कलर यहाँ से डाल देता हूँ, ये देख लो ये क्या हुआ जो हमको एक सिलेक्टेड एरिया में फिल करके दे दिया। तो ये मेरा होता है फ्रेम टूल फोटोशॉप का।